लाख रुपए के लोन में एक चक्की का इंश्योरेंस लगाना चाहती है, आटा चक्की लगाना चाहती है, कुछ वो जो बाकी 10% आप कितना भी ले सकते हैं एक से लाख। हमारे लिए तो अगर मैं प्रॉब्लम खुद बताऊँ है इसमें हमारे दुष्ट नहीं, हम दुष्ट दोस्तों भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है, आप उस मैं भी आप में से एक हूँ ना, नहीं है अगर नून सरकार है मैं हमारे यूटी में बैक टू विलेज प्रोग्राम काफ़ी चला है। पंचायत में जहां पर हमारे प्रभारी ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे वो जाते थे और अपना पंचायत में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो स्कीम्स जो ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए उनको लोगों को अवगत कराना उस बारे में कि कौन कौन सी स्कीम्स है, कैसे लोग उसका जो हमारी भारत सरकार की है या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की अपनी स्कीम्स है उनका कैसे फ़ायदा लें, उसके लिए हमारी सरकार ने कुछ प्रभारी ऑफिसर्स नियुक्त किए थे जो पंचायत्स में जाके वहाँ अपना ये सारा अपने लोगों को बताते थे। इसी ज़िमन में हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी उनके आदेश पर मुझे हमने ये जगती या नगरोटा जो रूरल एरियाज़ में हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ रहते हैं ये चूँकि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, इनके क्वार्टर्स रूरल एरियाज़ में उसी तर्ज पर उसी के हिसाब पर मुझे यहाँ एज प्रभारी ऑफिसर के तौर पर भेजा है तो आज मैं इसी के संदर्भ में आया हूँ और यहाँ पर सारे जो लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जिसमें बैंक के अधिकारी है चाहे स्टेट बैंक के हैं चाहे जम्मू कश्मीर के बैंक के हैं वो भी आए हैं, हमारे BDO साहिबान आए हैं, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रिलीफ जो है विजय शर्मा जी वो भी आए हैं और तहसीलदार रिलीफ भी हैं, तो सारे जो यहाँ पर हमारे मिशन यूथ के ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं और जो हमारे जो कश्मीरी माइग्रेंट भाई यहाँ पर रह रहे हैं इनको जितनी भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इनको फ़ायदा जिन हिसाब से इनको आएगा वो उसको इनको अवगत कराने के लिए आया हूँ।